हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पायल आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मछली को घर पे कैसे काटते हैं। तो चलिए देखते हैं, आप इसे नाइफ से भी काट सकते हैं या फिर इस तरह से एक हंसिए से भी काट सकते हैं। तो सबसे पहले इसके जो चारों साइड के छोटे छोटे पंख हैं उसे अलग कर लेते हैं, और उसके बाद इसके जो स्केल्स है उसे हम निकालेंगे। तो स्केल्स निकालने के लिए आप चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चम्मच का भी, या फिर डायरेक्ट इस हंसिए से भी निकाल सकते हैं। तो फिर आप देखते जाइए इस वीडियो में कि कैसे क्लीन करते हैं एक मछली को घर पे, क्योंकि अभी तो मार्केट में कभी कभी बिना कटा हुआ भी आता है तो घर पे क्लीन करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मुझे भी पहले बहुत ही दिक्कत होती थी इसे क्लीन करने में, तो फ़िलहाल मैं थोड़ा बहुत सीख गई हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी चलिए हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो कटिंग करने समय जब आप इसके पीसेस कट करेंगे तो निचले हिस्से से कीजिए और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आइए। तो थोड़ा सा ही स्टमक के पास आने पर आपको दिखेगा कि इसके जो अंदर के पार्ट्स हैं, इंटेस्टाइन हैं, वो सब आप निकाल लीजिए तो ये अंदर से पूरा क्लीन हो जाएगा। तो अंदर से भी अच्छे से आप उंगली से निकाल सकते हैं, आप चाहे तो किसी ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी चम्मच से भी निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद फिर बाकी सारे जो पीसेस है वो कट कर सकते हैं। तो ये जो मछली है ये थोड़ी मीडियम साइज़ की है, तो मैं एक एक पीस करके काट दे रही हूँ। वैसे अगर आपकी जो मछली वो बड़ी है तो आप बीच से एक कट लगा कर भी काट सकते हैं। तो ये देखिए, मैं पीस वाइज कट कर दे रही हूँ और थोड़ा सा इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है तो वो भी मैं निकाल दे रही हूँ। अब ये जो हेड का पार्ट है इसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो एक एक पार्ट में आप इसे क्लीन कीजिए। हर पार्ट में गिल्स होता है तो गिल्स को निकाल दीजिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही मिट्टी या कचरा जैसा होता है तो उसे निकाल दीजिए, क्योंकि ये पानी से क्लीन करने से पूरे अच्छे तरह से क्लीन नहीं होता है। तो इसे निकाल दीजिए दोनों ही पार्ट से। तो हमने काट ली है मछली और चलिए अब हम इसे धो लेते हैं। तो धोने के लिए फ्रेश पानी से 3 से 4 बार धोइए, अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए, हल्के हाथों से इसे रगड़ कर क्लीन कर लीजिए, क्योंकि मछली जितना आप धोएंगे उतना फ्रेश हो जाएगी और फिर खाने में भी अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है। अच्छे पानी से इसे धोना है और
तस्वीर आप बनाइए, एंजॉय कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर बताइएगा।